अरे वहाँ पे सामने इतनी ज्यादा भीड़ क्यों रखी है, वहाँ पे कौन सा तमाशा चल रहा है, चलो चल के देखते हैं। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, अरे अंकल आंटी यहाँ पे क्या चल रहा है, बता तो सरी आप सब क्या देख रहे हो। अरे बेटा इसको भगाओ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, रोज रोज यहाँ पे सो जाता है, इसको मार मार के भगाना पड़ेगा लगता है। अरे क्या, अरे तो फेंकी भी आए, अरे फेंकी भी आए, अरे फेंकी भी उठो, अरे फेंकी भी यहाँ पे सो रहे, अरे फेंकी भी उठो ना, अरे फेंकी भी क्यों सो रहे हो, अरे भाई क्या होगा शिनचैन, अरे फेंकी भी यहाँ पे सो रहे हो, अरे ये सब आपको मारने की बात कर रहे हैं। अरे भाई क्यों मारने की बात कर रहे हैं, मैं तो रोज यहीं पे सोता हूँ ना। अरे तू रोज सोता तो है पर भाड़ा नहीं देता यहाँ पे सोने का, साला गरीब खाना भी खा जाता है हमारा और पैसे भी नहीं देता उसके। अबे यहाँ पे कोई बेड लगा हुआ है इस कार के ऊपर, सोता हूँ मैं, ये मेरा बेड है, और खाने में तुम देते क्या, एक ब्रेड देते तो वो कोई खाना होता है, एक ज्यादा मत बोल तू मोटे। अरे गरीब निकल जाए ऐसे। अबे ज्यादा बोल रहा है क्या, अरे तू खुद तो कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा मत कर वरना हम सब मिलकर तेरे को मारेंगे। अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे हाँ तूने आज तक कभी पैसे कमाए, जब देखो चोरिया करता रहेगा। अच्छा चोरिया, अब देखना मैं तुमको पैसे कम जरूर कमा के दिखाऊंगा। अरे कैसे कमाएगा, चोरी करके? अबे वो कैसे भी कमाऊं, तू देखना 24 घंटे में मैं तेरा पूरा का पूरी जमीन खरीद डालूंगा। अरे हाँ चल चल निकल ऐसे, देखते हैं अब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे ओ, ओ भाई साहब रुको रुको, अरे एक सेकंड आपसे बात करनी है। अरे भाई साहब एक सेकंड निकल यहाँ से, शिनचैन आ जा अपन चले यहाँ से, इस घर हो गया यहाँ पे नहीं रहना अपन को। अरे विकी भी अपन कहाँ जाएंगे यार, अपन के पास तो घर भी नहीं रहने के लिए। अबे यहाँ पे कौन सा घर था शिनचैन, अब मैंने सोच लिया कि अब मैं पैसे कैसे करके कमा के दिखाऊंगा इनको, इनकी पूरी की पूरी जमीन खरीदूंगा। इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा बोल दिया, मुझे गरीब बोल रहे थे, इनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इतने पैसे कमाऊंगे बस। अरे फिगे पर कैसे कमाओगे? अरे वो तो सोचा नहीं है, सोचते हैं चल चल के। अबे शिनचैन यार कुछ तो सोच पैसे कमाने का तरीका। अरे फिगे पर मुझे क्या पता है। अरे भाई क्या करें, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? अबे तू कौन है बे? अरे तुमको पैसे कमाने तो बताओ, मेरे पास एक आइडिया है। अबे चल चल छुट्टा नहीं, मेरे पास निकल यहाँ से। अरे कोई छुट्टा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ $1 million की चोरी के बारे में। अबे जाना पका मत। अरे तुम मेरी बात तो सुनो यार, एक बार चोरी सुनो तो सही, अच्छी नहीं लगी तो चले जाना। अच्छा चल सुना दे, वैसे या कुछ करने के लिए है नहीं, जल्दी सुना दे। A few moments later. तो क्या तुम तैयार हो? अरे हाँ भाई बिल्कुल तैयार हूँ। अरे भाई इतना बढ़िया प्लान तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो गाइस इसने यार मुझे बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बता दिया, बहुत ही तगड़ी वाली चोरी करने वाले हैं, उसमें मिलने वाला है मैं बहुत ही तगड़े वाले पैसे। तो अभी मैं वो चोरी करने जा रहा हूँ, इसने मुझे बता दिया कहाँ कहाँ से सामान लेना है। तो पहले यहाँ से एक सामान ले लेते हैं, यहाँ से अपन को थोड़ी गन्स वंस मिल चुकी है और एक बैग भी मिल चुका है जिसमें हमको पैसे चोरी करने। तो अभी हम जाने वाले हैं खतरनाक वाले होटल के अंदर और वहां पे जाके बहुत ही तगड़ी वाली चोरी करने वाले हैं। तो गाइस सर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस किया और बेल सेट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना। तो अभी हम वहां पे आ चुके, सामने वो मुझे होटल दिख गया है। मैंने शिनचैन को बाहर खड़ा कर दिया क्योंकि शिनचैन यार बाहर से दिया, अगर कोई पुलिस वाला आता तो शिनचैन मुझे बता देगा। अरे है कि आपको बता दूंगा कि पुलिस वाले नहीं आ रहे। अरे वो पागल, जब पुलिस वाले तब बताना। तो गाइस सर अभी अपन यहां से जाते हैं। नहीं देखा नहीं देखा, मुझे लगा ये मुझे देख रही है, पर कोई बात नहीं, हम आराम से अंदर घुस चुके, सामने वाले गेट के अंदर सीधा घुसते हैं और ये मैं अंदर आ चुका हूँ। उसने मुझे दो दो चोरियां बताई थी, पहले तो ये वाली चोरी ढंग से करते, यहाँ पे सामने एक गार्ड खड़ा है, इसको हमको चुपचाप से मारना पड़ेगा, ये ले। और भाई वो गन निकालने वाला था कि मैंने सप्रेसर वाली गन यूज करके उसको मार दिया। तो अभी फटाफट से ढूंढते कहाँ पे वो रास्ता, अभी कहाँ जाना है मुझे, अभी मुझे लगता है नीचे जाना होगा, तो वहां से सीढ़ियों से नीचे चलते और वहां पे देखते कौन से पैसे पड़े। उसने बोला था बहुत ही तगड़े वाले पैसे मिलते, ये एक गया ये दूसरे को भी मारते, ये क्या कर रहे थे भाई, आपस में बातें कर रहे थे चुपचाप, मैंने इनको मार दिया क्योंकि अपने पास सप्रेसर वाली गन है तो इसको मैंने मार दिया। तो यहाँ पे है क्या? अरे नहीं यहाँ पे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है नीचे जाना होगा। तो अभी चलते नीचे। अरे वेकी भी, अरे वेकी भी है। अबे क्या हो गया शिनचैन, अरे इसको मारो। अबे क्या हो गया शिनचैन, अरे वेकी भी भागो भागो। अबे क्या हो, कौन पुलिस आ गई क्या? अरे नहीं वेकी भी, नन्हे को दिए मैं जा रहा हूँ। अबे वो पागल लेके रुक जा। और गाइस यहाँ पे मैंने ये गेट उड़ा दिया, मुझे इसके अंदर जाना होगा। अबे वो कहीं चले मत जाइयो शिनचैन, अभी फटाफट से इसके अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे तो कंप्यूटर पड़े, अरे भाई ये क्या बैग्स पड़े यहाँ पे, और मुझे लगता है ये वाले बैग्स ही मुझे चुराने। फटाफट से इनको डालते अपनी जेब में, मतलब उस बैग में, और निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमको यार मिल चुके हैं $1.5 million उस चोरी से। तो अभी शिनचैन में यहाँ से फटाफट से निकल रहे हैं, हमें जाना होगा एक और चोरी करने। वो वाली चोरी तो हमने बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है और वो सामान जाके मैं उसको डिलीवर भी कर दूंगा। तो वो जो सारे सारे बैग थे वो तो मैंने उसको जगह दे दिया। उसने मुझे बताया ये वाली चोरी और भी खतरनाक होने वाली है। मैंने यहाँ पे एक जने को मार दिया जिसकी ये कार थी, और ये
एक यार जगह का यार मालिक है, तो वहां पे हम जाके एक बहुत ही तगड़ी वाली चोरी करने वाले, क्योंकि हमें पता चला है कि वहां पे उसने बहुत सारे पैसे और बहुत सारी चीजें छुपाई हुई, तो हमें जाके देखना पड़ेगा क्या छुपा रखा है और वो चोरी करना होगा। तो अभी किसी को भी नहीं पता है इसके अंदर, मैं उस सबको लगेगा कि जिसका जिसकी जो गाड़ी है वो है, पर मैं जा रहा हूं उधर अंदर। तो अभी हम जाने वाले वहां पे अंदर चोरी करने वाले बहुत ही तगड़ी वाली, तो फटाफट से वहां पे पहुंचते हैं। तो हमें बिल्कुल ढंग से गाड़ी चलानी पड़ेगी, अरे ढंग से बोलते ठुक गई, बिल्कुल सबको लगना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल एक आदमी, उनको क्या पता मैं तो चोर हूं, और ये मैं अंदर आ चुका और ये गैराज बंद हो चुका है, यस अब मैं उसके अंदर घुस सकता हूं। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या मिलने वाला है हमें। और कहां गए अब, ये कौन सी जगह भाई, ये कौन सा बेसमेंट बना रखा, अरे भाई साहब उबे ये कहां गए हम, अबे ये कौन से जन्नत के अंदर आ चुके, सामने इतने सारे डायमंड गोल्ड पैसा, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही तगड़ी वाली जगह के अंदर हम आ चुके। आप देख सकते हो भाई क्या कितना ज्यादा गोल्ड पड़ा है यहाँ पे, मुझे लगता है कोई सीक्रेट बेसमेंट था जिसके अंदर हम आ चुके, और यहाँ पे बहुत सारे डायमंड भी पड़े और बहुत सारा कैश भी पड़ा है, मुझे इन सबको लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई साहब, हमारी तो लॉटरी लग जाएगी एक बार, बस मैं को यहाँ से लेके निकल लूँ, मुझे ट्रक बुलानी पड़ेगी इसको लेके जाने की, क्योंकि बहुत सारे डायमंड कैश गोल्ड भाई साहब तो बहुत ही तगड़े वाले मजे हो जाने वाले अगर मैंने इसको यहां से चुरा लिया। तो फटाफट से अपना यार ट्रक बुलाते हैं। अबे भाई भागो, पुलिस पीछे पड़ गई, एरी पिकी में बहुत तेज भागो, एरी पिकी में क्यों ठुक रहे हो, अबे शिनचैन भाई बहुत डर लग रहा है मुझे, पुलिस से नहीं पिटना, एरी पिकी में तो फिर भगाओ नहीं यार। तो गाइस सर हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी, जैसे मैंने ट्रक में सारा सामान लोड किया पता नहीं कहां से पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब एक तो इतने सारे खंभे और ये ट्रक भी संभल ले रही, इतनी ज्यादा भारी हो चुकी है, इतना सारा पैसा गोल्ड डायमंड इतनी सारी चीजें पड़ी है, मुझे यहां से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके, एरी पिकी में और तेज भगाओ, अरे भाई भगाई तो रहा हूं, अरे भाई सामने पुलिस वाला आ गया, हट जा पागल कहां सामने आ रहा है। तो गाइस सर अभी हम निकल तो रहे पर अरे फिर से ठुक गई, एरी पिकी में गाड़ी नहीं चलाना है, देखो वापस पुलिस वाले आ गए, अरे क्या करूं शिनचैन। तो गाइस सर हमें बहुत ही दूर जाना पड़ेगा इनसे बचने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अबे हट जाओ पागल हो पुलिस वालों, क्यों मेरे को पकड़ रहे हो, अबे भाई निकलो यहां से, फुल स्पीड ट्रक को भगाना पड़ेगा, बाय बाय। तो गाइस सर आप खुद बताइए हम कितने ज्यादा अमीर है, तो अभी हम आए एक नया सूट लेने, क्योंकि क्योंकि हमारी चोरी हो चुकी है बिल्कुल सक्सेसफुल, हमने जाके ट्रक बिल्कुल ढंग से छुपा दिया था और उसमें से हमने थोड़े पैसे निकाल लिए अपने लिए, मैंने एक बढ़िया सा सूट ले लिया, एक नई नई गाड़ी ले ली और एक घर ले लिया और भी बहुत सारी चीजें ली, अभी आपको चल के दिखाता हूं। अभी फटाफट अपनी गाड़ी के अंदर बैठते और आपको लेके चलता हूं हमारे तगड़े वाले नए नए घर के अंदर, अरे एक तो मैं क्यों ठोकता रहता हूं। तो गाइस सर ये हमारे घर की बालकनी, यहाँ से आपको लग रहा होगा एक नॉर्मल घर, पर अंदर आके ये देखिए कितना तगड़ा वाला घर है हमारा, हमने बाहर से नॉर्मल इसलिए रखा था कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि इनके पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि उनको क्या पता है तो सारी सारी चोरी के पैसे, ये सारा सारा घर देख सकते हो भाई कितना तगड़ा वाला किचन है हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें। अभी आपको चल के दिखाता हूं, यहां से हमारे घर की एंट्रेंस है और यहां पे नीचे जाके एक और नीचे फ्लोर और इसके नीचे एक और फ्लोर है, अभी आप देख सकते हो भाई ये कितना तगड़ा वाला यहां पे बाथरूम है, हमारा घर कितना तगड़ा है, बहुत तगड़ा वाला घर हमें मिल चुका है, हमने बहुत ही कम पैसों में इतना तगड़ा वाला घर ले लिया, पर पैसों की कमी हमारे पास है नहीं इसलिए मैंने और भी तगड़ी तगड़ी चीजें ले ली, जैसे कि ये गाड़ियां, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन देख सकते हो, कितनी सारी गाड़ियां मैंने बहुत सारे पैसे इन गाड़ियों पे खर्च कर दिए और हेलीकॉप्टर प्लेन बाइक सब की सब चीजें ले लिए, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी तक देख सकते हो मेरी कितनी सारी गाड़ियां हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हमारे मजे हो चुके, शिनचैन का भी एक नया घर बन चुका है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी तो यार हमारी कार का कलेक्शन देख सकते हो कितना ज्यादा तकड़ा है, मतलब यहाँ से कम पे कम 25 कारें हमारे पास मिल चुकी है और बाइक्स और प्लेन्स और सब चीजें को हमने ऑर्डर भी दे दिया है। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट जाके कमेंट में बता दो, और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके जॉइन फॉलो कर लेना, और गाइस यार मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।